हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी। और आज हम कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था, फोबिया, फीलिया और मैनिया, इनके रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हम उनको करेंगे आज, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे इजीली आपको याद हो जाएगा। क्योंकि सारे वर्ड्स आपको अगर एक साथ मिल जाएंगे, फीलिया, फोबिया और मैनिया वाले, तो आपके लिए याद करना भी आसानी होगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, और ठीक है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी इंग्लिश की सारी विकल्प की वीडियो डालने वाला हूँ मैं, और साथ में रीजनिंग की भी, नॉन वर्बल की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वोकैब। तो फर्स्ट है एब्लूटोमेनिया। मेनिया मतलब ऑब्सेशन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और एब्लूटोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन ऑफ वॉशिंग एंड बाथिंग, जिसको नहाने और धोने में साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, मतलब हल्की सी भी गंदगी जिससे बर्दाश्त न हो रही हो, तो उसको कहते हैं एब्लूटोमेनिया। और नेक्स्ट है एकॉस्टिक ऑफ फोबिया। फोबिया होता है फियर, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको। और एकॉस्टिक होता है मतलब नॉइज या कोई साउंड को एकॉस्टिक बोलते हैं। तो एकॉस्टिक फोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ नॉइज। किसी इंसान को अगर जो अच्छी मतलब आवाज़ से डर लगता हो, होते हैं कुछ, तो उनको उनको मतलब उनको एकॉस्टिक का फोबिया है उस इंसान को। ठीक है, तभी उसको आवाज़ से डर लग रहा है। थर्ड है ऑडियोफीलिया। फीलिया का मतलब मैंने आपको बताया था होता है लव, मतलब उस चीज़ से बहुत प्यार है। ऑडियो होता है साउंड, ऑडियोफीलिया मतलब फीलिया मतलब लव फॉर लाउड साउंड। किसी को ऊंची आवाज़ में जैसे गाने सुनते हैं लोग रीड लगा के, तो उनको जिनको पसंद है उसका मतलब उन्हें ऑडियो फीलिया है, उन्हें ऊंची आवाज़ में सुनना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्लियोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस। फोबिया है तो फियर होगा। एक्रोफोबिया मैं पहले करा चुका हूँ, फियर ऑफ हाइट्स। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ विंड। और एयर, ठीक है, एग्राफोबिया फियर ऑफ मैन। ये फियर फॉर मैन नहीं है, फियर फॉर मैन एंड्रोफोबिया होता है, फियर फॉर मैन होता है एंड्रोफोबिया। और एग्रोफोबिया होता है फियर फॉर ओपन प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस, ओपन प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस। जिनको पब्लिक प्लेस पे जाने में डर लगता है या किसी खुले जगह पे बैठने में डर लगता है, तो उनको होता है एग्रोफोबिया, एगोराफोबिया फोबिया। और होता है एंड्रोफोबिया होता है जब किसी इंसान को मतलब किसी लेडी को या किसी को भी मैन से डर लगता है, जिसका मतलब उसे एंड्रोफोबिया है। गैनेकोफोबिया मतलब फियर फॉर ऑफ वुमेन। जब वुमेन लगता है तो उसे एग्नोफोबिया कहते हैं, एग्नोफोबिया हो गया। फिर है एंट्रोफोबिया। एंट्रोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ फ्लावर्स। एंट्रो मीन्स होता है फ्लावर, फोबिया मीन्स फियर, बताइए आपको, तो एंट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फ्लावर। एरिथमोफोबिया फियर ऑफ मैथमेटिक्स या मैथ। एरिथमो मतलब एरिथमेटिक जो होता है वो मैथ्स का पार्ट है, तो वहाँ से एरिथमो लिया गया है। और फोबिया मीन्स फियर तो होता ही है, पता ही आपको, तो एरिथमोफोबिया हो गया फियर ऑफ मैथमेटिक्स। एंग्लोफोबिया फियर ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश रिलेटेड थिंग्स को बोलते हैं एंग्लोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश रिलेटेड थिंग्स जो भी हो उसे बोलेंगे हम एंग्लोफोबिया, इसका मतलब। ठीक है,
Xenophobia, fear of anything strange, related of foreign. ठीक है, मतलब जो भी बाहर की चीज़ है, जैसे कोई फॉरेन की कोई चीज़ इंडिया में कुछ आई है नहीं, कुछ भी है, तो जिस बंदे को उससे डर लगता हो उसे बोलेंगे ज़ेनोफोबिया, कि कोई फॉरनर चीज़ें हो या कोई स्ट्रेंज चीज़ें हो, फॉरनर, उनसे आपको डर लगता है, कोई स्ट्रेंज थिंग्स हो, तो उसे बोलते हैं ज़ेनोफोबिया. फ्रॉम एनीथिंग स्ट्रेंज रिलेटेड ऑफ फॉरनर. फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी नई चीज़, स्ट्रेंज चीज़, इससे डर लगता है, उसको कहेंगे ज़ेनोफोबिया. ठीक है, रैक्नोफोबिया बोलेंगे. फियर ऑफ स्पाइडर्स, जब स्पाइडर से फियर लगता हो तो एरेक्नोफोबिया. अब है बिब्लियोमेनिया. मेनिया मतलब ऑब्सेशन होता है, पता है. बिब्लियो हम रिप्रेजेंट करते हैं बुक के लिए, तो इसका मतलब ऑब्सेशन फॉर बुक्स को बोलते हैं बिब्लियोमेनिया. और जिसको ये बीमारी होती है उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनियक, मतलब जो बिब्लियोमेनियक है उसका बुक्स के लिए ऑब्सेशन रहेगा. ठीक है, कैकोफोबिया. कैको मतलब होता है अग्लीनेस. कैकोफोनी मतलब होता है, मतलब अगली आवाज. तो कैकोफोबिया मतलब होता है फियर. फोबिया मतलब फियर होता ही है. कैको मतलब होता है अग्लीनेस, तो फियर ऑफ अग्लीनेस होता है कैकोफोबिया. किसी को मतलब बुरी दिखने वाली चीज़ से डर लगता हो, बेसिकली लड़कियों को होता है, तो उनको बोलते हैं कैकोफोबिया. कैकरिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर. कई लोगों को डर लगता है कि उन्हें कैंसर ना हो जाए, उसके लिए बहुत सारे वो प्रिकॉशंस करते हैं, तो उस डर को बोलते हैं कैकरिनोफोबिया, कि उन्हें कैंसर ना हो जाए कहीं. क्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ कलर्स. कुछ लोगों को रंगों से भी डर लगता है, और उनके इस डर को बोलते हैं क्रोमोफोबिया. क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेसेस. जैसे यहाँ पे ओपन प्लेसेस था. एगोराफोबिया, ओपन प्लेसेस से डर लगता है, पब्लिक प्लेसेस में. इस तरह क्लस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेसेस. Closed and confined place, ठीक है. होता है डेमोफोबिया. डेमोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल, मतलब लोगों से डर लगता है. इसमें उनको ऐसे लोगों को अकेले रहना पसंद होता है, तो लोगों से डरते हैं फिर वो, तो उसे इस डर को बोलते हैं डेमोफोबिया. ठीक है, डिप्सोमेनिया. डिप्सो रिप्रेजेंट करता है ड्रिंक्स को, मतलब जो आप अल्कोहल ड्रिंक्स लेते हैं उसे. और मेनिया होता है ऑब्सेशन, तो डिप्सोमेनिया का मतलब हो गया एक्सेसिव ऑब्सेशन फॉर ड्रिंक्स या ऑब्सेशन फॉर ड्रिंक्स. जो बिल्कुल अल्कोहलिक होते हैं बंदे, जिनसे बिना शराब पिए रहा नहीं जाता, बिल्कुल ऑब्सेशन होता है उन्हें शराब पीने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उनको लत लग चुकी होती है शराब की, तो उनकी इस लत को बोलते हैं डिप्सोमेनिया. और जिनको लत लगी होती है उन्हें बोलते हैं डिप्सोमेनियक, कि वो बहुत बड़ा शराबी है, उसे शराब की बिना रहा नहीं जाता. ठीक है, डैट काइंड ऑफ थिंग. तो डिप्सोमेनियक हो गया. सेकेंड है
एनक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड, कई लोगों को क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डर लगता है, मतलब उन्हें पसंद नहीं होता कि क्राउडेड प्लेसेस में जाए, उन्हें थोड़े कम क्राउडेड प्लेसेस में जाना पसंद है, बहुत भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं होता लोगों को, तो इसको बोलते हैं एनक्लोफोबिया, उनके इस डर को बोलते हैं एनक्लोफोबिया। गैमेटोफोबिया फियर ऑफ मैरिज, जिनको शादी करने डर लगता है उनको होता है गैमेटोफोबिया, मतलब वो शादी नहीं करना चाहते, उन्हें बहुत डर लगता है कि शादी होगी पता नहीं क्या होगा फिर, तो इस डर को बोलते हैं गैमेटोफोबिया। ठीक है, गैमोमेनिया ऑब्सेशन फॉर मैरी अगेन एंड अगेन। ठीक है, कुछ राजाओं को होती थी पहले, अब तो नहीं होती इतनी। ऑब्सेशन फॉर मैरी मतलब बार बार शादी करने का ऑब्सेशन हो जिसको, मेनिया लगा हुआ है इसलिए मतलब ऑब्सेशन होगा, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं गैमोमेनियक, जो बार बार शादी करते हैं, एक बार शादी की फिर कुछ साल बाद फिर कर ली फिर कर ली। तो पहले के जमानों में जो राजाओं की बीवियाँ चाचा 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 बीवियाँ करती थी, तो उनको कह सकते हैं कि हाँ उनको वो जो है गैमोमेनियक थे। फिर है हेमेटोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड। हेमेटो लिया गया है हेमोग्लोबिन से, हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है बताता है कि हमारे ब्लड की मात्रा कैसी है, उसमें कितना हेमोग्लोबिन है, तो हेमेटो जो है हेमोग्लोबिन से लिया गया है, फोबिया मतलब फियर आपको पता ही है, तो ये हो गया फियर ऑफ ब्लड। कई लोगों को खून से ही डर लगता है, तो वो लोग जाके ब्लड डोनेट भी नहीं करते हैं वो लोग, कि हाँ मैं खून देख के उन लोगों को डर लगने लगता है, कई लोग होते हैं मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसे, तो उनको हेमेटोफोबिया होता है, और हेमेटो मतलब होमियोग्लोबिन से लिया गया ये वर्ड। ठीक है, हेलमिंटोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट्स, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। फिर है हिप्पोफोबिया फियर ऑफ हॉर्सेस, मतलब जिनको घोड़ों से डर लगता है उनको बोलते हैं हिप्पोफोबिया हम लोग। हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो वर्ड वाटर को रिप्रेजेंट करता है और फोबिया फियर को, तो हाइड्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ वाटर। काइनेसोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पीड, काइनेसो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है मतलब जब भी कोई बंदा मूविंग स्टेट में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई बंदा किसी हाइट पे रहता है तो उसे उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसको हम स्पीड को डोनेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, और काइनेसो डोनेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और फोबिया डोनेट कर रहा है फियर को, तो फियर ऑफ स्पीड होता है काइनेसोफोबिया। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया, अब क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन ऑफ टू स्टील, मतलब चोरी करने, STEALA मतलब चोरी करने का ऑब्सेशन होता है, ऐसे पागलपन होता है इंसान को चोरी करने का, कुछ लोगों की बीमारी हो जाती है ये, क्लेप्टोमेनिक बोलते हैं उन्हें, तो उन्हें ऐसी बीमारी हो जाती है तो वो बहुत चोरियां करते हैं, मतलब चोरियों करने की उन्हें आदत पड़ जाती है, उनसे रहा नहीं जाता चोरी करे बिना। मेनिया है ऑब्सेशन टू टॉक अलॉट, जिन्हें बहुत बोलने का पागलपन होता है, जो बहुत बोलते रहते हैं, कितना भी चुप कर लो चुप नहीं होते ऐसे इंसान, मतलब हर जगह किसी से भी कहीं भी बात कर लेते हैं बहुत बोलने लगते हैं, तो उन्हें कहते हैं लेलोमेनियक, जिन्हें बहुत बोलने की आदत होती है। ठीक है, लोगोफोबिया, इसका मतलब है फोबिया मतलब फियर, ये रिप्रेजेंट करता है स्टडी को, लोगो फियर ऑफ स्टडीज, तो लोगोफोबिया हो गया फियर ऑफ स्टडीज। मेट्रोफोबिया
फियर ऑफ मदरहुड। कई बार कुछ लेडीज़ को जब वो मदर बनने वाली होती है तो उनको डर लगता है मदरहुड से, कि वो ठीक से बच्ची की देखभाल कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, कैसे होगा क्या क्या होगा। तो ये जो फियर होता है उस टाइम उनमें, उसे कहते हैं मैट्रोफोबिया, फियर ऑफ मदरहुड, MOTHER SSC, अगर देखने साफ नज़र आ रहा हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हम नेक्स्ट में करेंगे, और कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वैकैब करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो, और शेयर करिए, बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और मैं इसके बाद अब मैं नॉन वर्बल की रीजनिंग की नॉन वर्बल की वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।